Good evening, everyone. I am Sanpreet Arora and I am here in front of you with Economics 101 Class 11th. Today, we will begin with introduction of the chapter Demand. Before starting with Demand, I am here to present an overview of the syllabus of Economics presented by CBSE towards you. Now, Economics ke andar humare paas do main subjects aate hain. Ek humare paas Microeconomics hai and ek humare paas Statistics hai. Economics ki classes already shuru ho chuki hain. Agar aap classes ke liye inquire karna chahte ho, you can contact on the number in front of your screens. Classes are both online as well as offline. I'll read the number once. It is 8855139893. Now, let's begin. इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास दो मेन सब्जेक्ट्स आते हैं. एक हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है. अगर मैं आपसे इनकी बुक्स की बात करता हूं तो एनसीईआरटी आती है, लेकिन क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी लेना बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, ना ही क्वेश्चंस के लिए ना ही कॉन्सेप्ट्स के लिए. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इफ आई टॉक अबाउट यू, वी हैव टू फेमस बुक्स. एक हमारे पास है संदीप गर्ग एंड द सेकेंड वन दैट वी हैव इज टी आर जैन, वी के ओरी. इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप दोनों में से किसी भी एक बुक को ले सकते हैं, किसी को भी रेफर कर सकते हैं. आई पर्सनली प्रेफर संदीप गर फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट देन अगेन इट्स एन इंडिविजुअल्स चॉइस. इफ यू वांट यू कैन गो विद टी आर जैन, वी के ओरी ऑल्सो. स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो स्टैट्स के लिए जो हमारे पास बुक्स आती हैं वो एक हमारे पास संदीप गर की बुक आती है, हमारे पास टी आर जैन वी के ओरी भी आती है एंड एक हमारे पास एन एम शाह नाम से भी बुक आती है. एन एम शाह नॉट रेलिवेंट, 11th के लिए लेने की कोई जरूरत नहीं है. अगेन आप संदीप गर की तरफ भी जा सकते हो, यू कैन गो फॉर टी आर जैन ऑल्सो. फॉर स्टैटिस्टिक्स आई प्रेफर टी आर जैन मोर. स्टैटिस्टिक्स टी आर जैन में बहुत वाइडली कवर्ड है, संदीप गर में इतनी वाइडली कवर्ड नहीं है. तो मेरे हिसाब से माइक्रो के लिए यू शुड गो फॉर संदीप गर एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए यू शुड गो फॉर टी आर जैन वी के. नाउ लेट्स बिगिन. आज की क्लास में मैंने आपके साथ में जो चैप्टर शुरू करना है दैट इज डिमांड. Today I am here to start a new chapter and वो chapter हम लोग कौन सा शुरू करने जा रहे हैं. The chapter that we are going to start today is demand. Now demand को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ brief चीज़ें बता देता हूँ. Classes मैंने आपको बताया है already शुरू हो चुकी हैं. I have told you the number जहाँ से आप contact कर सकते हो. Classes online भी हैं, classes offline भी हैं, जैसे मर्जी आपकी convenience के हिसाब से आप ले सकते हो. Classes Zoom के ऊपर भी हैं, classes हमारे app Aroda Study Circle के नाम से भी हैं. आप उसे iOS या फिर अपने एंड्रॉइड स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो. यू कैन व्यू द क्लासेस देयर एज वेल. अगर आप यहाँ पर आते हो, क्लास अटेंड करते हो, क्लासेस यहाँ पर होंगी, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको उसके नोट्स असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगे. एट द सेम टाइम हमारे पास जब भी कोई चैप्टर खत्म होगा उसकी एक प्रोजेक्टर बेस्ड क्लास होगी, जिसके अंदर हम लोग विजुअलाइजेशन से उस चैप्टर को रिकैप करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज जैसा हमारा ह्यूमन माइंड है, जैसा हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वर्क करता है, हमारे को विजुअल नॉलेज हम लोग बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं एज कम्पेयर टू वर्बल नॉलेज. तो जो विजुअलाइज नॉलेज है उसके लेक्चर्स में यहाँ यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा, बट इफ यू ज्वाइन है आपको वो हर चैप्टर के मिलते हुए जाएंगे. नाउ अब हम लोग आज का अपना चैप्टर डिमांड से शुरू करते हैं. ओके सो लेट्स बिगिन. नाउ चैप्टर जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम डिमांड है. अगर आप देखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं. ऑल दीज यूनिट्स आर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव. आप किस तरह से चीजों को व्यू करते हो. हमारे पास कुछ यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हैं, कुछ यूनिट्स जो हैं प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से हैं एंड द थर्ड वन दैट वी हैव इज ऑफ मार्केट्स. आज जो मैं आपको चैप्टर शुरू करा रहा हूँ डिमांड, इट इज फ्रॉम द कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव. मैं पहले यहाँ पे डिमांड की डेफिनेशन आपके सामने लिखूंगा एंड देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू की डेफिनेशन से हम लोग कैसे पहुंचे, हाउ डायरेक्ट डेफिनेशन. डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी That a consumer is willing and able to purchase at each possible price during a given period of time. मैंने आपके सामने जो अभी लिखी है ये डिमांड की डेफिनेशन है, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं करा है. आई हैव ओनली रिटन द डेफिनेशन ऑफ डिमांड. आओ जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिमांड की डेफिनेशन बेसिकली हमने डिराइव कैसे करी. आई हैव रिटन डिमांड रेफर्स द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम.
इसे समझने के लिए आपको कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए। वो वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास आता है इसके अंदर डिजायर। द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज डिजायर। डिजायर का सिंपल सा मतलब क्या होता है? डिजायर को हम लोग हिंदी में कहते हैं इच्छा। यू वॉन्ट समथिंग, आप कोई चीज चाहते हो, आप किस चीज की चाहत है उसको हम लोग डिजायर कहते हैं। मैं इसका आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पुअर पर्सन है, उस पुअर पर्सन के पास 200 रुपीज है एंड वो चाहता है एक कार को खरीदना। ये उसके लिए सिर्फ एक डिजायर है। ये उसके लिए सिर्फ एक डिजायर क्यों है? बिकॉज उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है उसे खरीदने की, उसके पास वो मींस नहीं है उस चीज को खरीदने के। तो डिजायर के लिए हम लोग क्या कहते हैं? डिजायर के लिए हम लोग कहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी आप किसी चीज की डिजायर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास किसी चीज को खरीदने के एप्रोप्रिएट पैसे नहीं है, बट आई हैव अ डिजायर टू परचेज दैट थिंग, तो वो मेरे डिजायर में काउंट होगी। वैसे ही अगर यहाँ पे पुअर पर्सन है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज है और वो एक कार खरीदना चाहता है, वो एक कार खरीदने की डिजायर रखता है, देन दैट इज कॉल्ड एज डिजायर बिकॉज ही डज नॉट हैव द मीन्स टू परचेज। उसके पास वो पैसे नहीं है उसे खरीदने के। सेकेंड वर्ड हमारे पास इसके अंदर आता है जिसको हम लोग वॉन्ट कहते हैं, जिसको हम लोग वॉन्ट कहते हैं। नाउ वॉन्ट के केस के अंदर क्या होता है, मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं। मान लेते हैं कि जो पुअर पर्सन की हम लोग बात कर रहे थे, इसकी अचानक से एक लॉटरी लग जाती है। क्या होता है? इसकी अचानक से लॉटरी लग जाती है। इसकी लॉटरी जो होती है बहुत ही ह्यूज अमाउंट, मान लेते हैं 20 लाख के आसपास की लग जाती है। नाउ वो एक कार को खरीदना चाहता है, तो मैं उसको डिजायर नहीं कहूंगा, मैं उसको वॉन्ट कहूंगा। इस डिजायर में और वांट में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। वो फर्क क्या है? डिजायर के अंदर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है चीज को खरीदने की, जो लैक द कैपेबिलिटी टू परचेज दैट थिंग। जबकि वांट के अंदर हम लोग क्या कहते हैं? वांट के अंदर हम लोग कहते हैं कि मान लो एक पुअर पर्सन की लॉटरी लग जाती है, उसके पास पैसे हैं उस चीज को खरीदने के। अ पर्सन वांट्स टू बाय समथिंग व्हेन ही हैज द रिसोर्सेज टू डू सो। अ पर्सन डिजायर्स टू बाय समथिंग व्हेन ही डज नॉट हैव द रिसोर्सेज। अगर एक पर्सन किसी चीज को डिजायर करता है तो उसके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन अगर एक पर्सन किसी चीज को खरीदना चाहता है, he wants to buy something, तो उसके पास रिसोर्सेज भी हैं उस चीज को खरीदने के। इन दोनों से इंटर रिलेटेड हमारे पास अपना थर्ड टर्म आता है। उस थर्ड टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? उस थर्ड टर्म को हम लोग डिमांड कहते हैं। नाउ डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड के अंदर हम लोग वॉन्ट को तो लेते ही हैं। हम कहते हैं कि अगर एक पर्सन डिमांड कर रहा है तो वो उस चीज को खरीदना भी चाहता है एंड उसके पास रिसोर्सेज भी हैं उस चीज को खरीदने के। तो वांट तो यहाँ पर है, लेकिन वांट के साथ में हम लोग दो चीजें और ऐड करते हैं। वो दो चीजें कौन सी होती हैं? वो हमारे पास होता है प्राइस, वो हमारे पास होता है टाइम। अगर मैं आज के टाइम पे ये कहता हूं कि आज से 40-50 इयर्स बाद मैं किसी चीज को परचेज करना चाहूंगा, देन दैट इज नॉट डिमांड, बिकॉज डिमांड हमेशा करंट पीरियड ऑफ टाइम में देखी जाती है। डिमांड हमेशा एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में देखी जाती है। एंड सेकेंड चीज मैंने यहाँ पे क्या ऐड करी है? सेकेंड चीज मैंने यहाँ पे वॉन्ट ऐड करी है। सेकेंड चीज आई हैव एडेड हियर इज वॉन्ट, प्राइस एंड टाइम। जब भी मेरे को डिमांड निकालनी है तो मैं किन तीन चीजों की बात करूंगा? आई विल टॉक अबाउट वांट, जहां पे वांट का मतलब क्या है? यू हैव द डिजायर ऑफ बाइंग समथिंग एंड यू हैव द रिसोर्सेज टू बाय इट। दूसरी चीज मैंने डिस्कस करी आपके साथ में टाइम, कि हमेशा एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर होता है। एंड यहाँ पर प्राइस का मतलब क्या है? डिमांड इज अफेक्टेड बाय प्राइस। प्राइस की फ्लक्चुएशन से डिमांड अफेक्ट होती है। दैट इज वाई अगर आप डिमांड की डेफिनेशन में भी देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईच पॉसिबल प्राइस। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही कि हमने आज एक चैप्टर शुरू करा, हमने जो चैप्टर शुरू करा इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिमांड। एंड डिमांड जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसके पर्सपेक्टिव से है? ये चैप्टर कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से है। मैंने डिमांड की डेफिनेशन रीड करी आपके सामने। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड की इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं। पहला आता है डिजायर। डिजायर के लिए जस्ट एक सिंपल चीज आपको याद रखनी है, आपकी इच्छा है किसी चीज को खरीदने की बट यू लैक रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उस चीज को खरीदने के। वॉन्ट के लिए हम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो बट यू हैव रिसोर्सेज, आपके पास पैसा भी है उस चीज को खरीदने का।
जब हम वांट के अंदर, जब हम इन रिसोर्सेज की कैपेबिलिटी के अंदर दो चीजों को प्लस कर देते हैं, एक हमारे पास टाइम आता है, एक हमारे पास प्राइस आता है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, वो हमारी डिमांड बन जाती है। आओ जरा एक बार अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड बेसिकली है क्या, डिमांड एक क्वांटिटी है कमोडिटी की, जो एक कंज्यूमर चाहता है, विलिंग है, एंड उसके पास रिसोर्सेज भी हैं उस चीज को खरीदने के। ही इज विलिंग एंड ही इज एबल टू परचेज दैट प्रोडक्ट एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड के लिए मैंने आपको चार चीजें कौन कौन सी हाईलाइट करी उसके डेफिनेशन में से। मैंने कहा डिमांड हमेशा एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी की बात करता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज की कुछ क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। नाउ चाहने के अंदर यहाँ पे क्या है, विलिंग एंड एबल। यू हैव द डिजायर ऑफ बाइंग समथिंग, यू ऑल्सो हैव द रिसोर्सेज टू बाय। डिमांड हमेशा प्राइस से अफेक्ट होती है, दैट इज वाई हमने यहाँ पे वर्ड ऐड करा एट ईच पॉसिबल प्राइस। एंड डिमांड फ्यूचर वगैरह के बारे में नहीं बात करती, डिमांड टॉक्स अबाउट करंट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वाई हमने इसके अंदर क्या कहा, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई होप आपको डिमांड की डेफिनेशन क्लियर होगी। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब जो मैंने आपके सामने ये चार चीजें सर्कल करी है ना, यही हमारे पास डिमांड के एलिमेंट्स भी होते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। जो मैंने आपके सामने ये चीजें हाईलाइट करी है, वही हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिमांड के सामने भी आती है। आओ जरा देखते हैं इसको। सो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिमांड कौन कौन से होते हैं, वहां से आ जाओ। हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिमांड कौन कौन से होते हैं, हमारे पास इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, सेकंड आता है इसके अंदर हमारे पास विलिंगनेस, आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो, एंड यू हैव द रिसोर्सेज ऑल्सो, जिसको हम लोग एबिलिटी कहते हैं, एट ईच पॉसिबल प्राइस। तो थर्ड एलिमेंट हमारे सामने क्या आता है, थर्ड एलिमेंट हमारे सामने पॉसिबल प्राइस आता है, एंड लास्ट हमारे पास क्या आता है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर में क्या डिस्कस करा है, आई डिस्कस्ड विद यू कि हमारे पास इकोनॉमिक्स का सिलेबस कैसे प्रेजेंट किया गया है, डिमांड क्या होती है, डिमांड के एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज डिजायर, व्हाट इज वांट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। ओके, नाउ इसके अंदर नाउ आगे देखते हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इस टॉपिक का नाम क्या है, द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एक एक करके उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास आता है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। फर्स्ट फैक्टर मेरे सामने क्या है, फर्स्ट फैक्टर मेरे पास प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी है। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी का मतलब क्या है, आप देखो अगर मैं बात कर रहा हूं, मुझे इस पर्टिकुलर आईपेन की डिस्कस करना है कि इसकी डिमांड कैसी है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर आईपेन की डिमांड को डिस्कस करना है, तो पहला फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है वो इसका अपना प्राइस है। इसका अपना प्राइस बढ़ना, इसका अपना प्राइस कम होना। आओ एक रेलिवेंट एग्जाम्पल लेते हैं आपके साथ में, मान लेते हैं मैं आपके सामने चिप्स का एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ मार्केट के अंदर आप जाते हो, मार्केट में चिप्स कितने के हैं, मार्केट में चिप्स जो है 20 रुपीज के। आप अपने घर से 20 रुपीज लेकर जाते हो और जाके सोचते हो कि मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे जाके एक पैकेट चिप्स का खरीद लूंगा। होता क्या है कि उसका प्राइस जो है 20 की जगह सिर्फ ₹10 रह जाता है, जो कंपनी उसे बना रही होती है वो उसका प्राइस कम कर देती है। अब आप घर से ₹20 लेकर गए हो, आप वहां पर जाते हो, आपको लगता है कि जो प्राइस होगा उसका 20 रुपीज है, तो प्राइस कितना रह गया, सर 10 रुपीज का रह गया। तो आप जो ₹20 लेकर गए हो, वहां से आप दो पैकेट खरीद सकते हो, यू कैन बाय टू पैकेट्स देयर, बिकॉज आप वहां जाकर टू पैकेट्स ले सकते हो। तो इससे हमारे को एक चीज क्या नजर आ रही है, अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाती है।
अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। यही चीज हमारे पास, अगर किसी चीज का प्राइस जो है हमारे सामने वो इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है कम हो जाएगी। अगर आप इस चीज को समझ रहे हो, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम हो जाती है, बिकॉज ये साइंस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, वी टॉक अबाउट इनवर्स रिलेशनशिप, जहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। और प्राइस और डिमांड कौन सा रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं, यही इनवर्स रिलेशनशिप। इसी को एक और एग्जांपल से देखते हैं। मैंने आपको पहले एग्जांपल में कहा कि आप जो है जाते हो मार्केट के अंदर, चिप्स जो है वो 20 रुपीज के हैं, यू गो देयर, वहां पे जाकर पता चलता है कि चिप्स जो है वो 10 रुपए के ही रह गए, आप 20 रुपए लेकर गए थे, जहां पहले आप एक पैकेट खरीदने जा रहे थे, अब आप दो पैकेट खरीद लो, दैट इज प्राइस कम होने से अपनी डिमांड को बढ़ा देते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप मार्केट में जाते हो 40 रुपीज लेकर, आप मार्केट में जाते हो कितने रुपए लेके, आप जाते हो मार्केट में 40 रुपीज लेके, यू गो टू द मार्केट, आपको लगता है कि एक चिप्स का पैकेट जो है वो कितने रुपए का आएगा, वो आपके पास 40 रुपीज का आएगा, लेकिन उसका प्राइस क्या हो जाता है, उसका प्राइस अचानक आपके सामने 80 रुपीज हो जाता है। उसका प्राइस क्या हो जाता है, 80 रुपीज हो जाता है। अब मान लो मैं आपको यही चीज कहता हूँ, मैंने कहा ये चिप्स है, चिप्स जो है हमारे पास ये 40 रुपीज के हैं, आप मार्केट के अंदर जाते हो, यू गो टू द मार्केट, आप वहां पे जाके सोचते हो कि मैं 40 रुपीज लेकर जाऊंगा और 40 रुपीज लेकर जाके वहां से एक पैकेट जो है वो ले आऊंगा। आपके पेरेंट्स कहे चलो 40 छोड़ो, ऐसा कर तू मेरे से ना 80 रुपीज ले जा, 80 रुपीज ले जा और वहां पे जाके ना दो पैकेट्स ले आइए। मार्केट में जाते हो, उसका प्राइस 40 की जगह 80 हो जाता है। अब क्या आप दो पैकेट खरीद सकते हो, नहीं, आपको सबसे पैसे ही नहीं है। आपके पास पैसे कितने हैं, अब सिर्फ एक पैकेट खरीदने के। जैसे ही प्राइस 40 से 80 हुआ, वैसे ही मेरी डिमांड 2 से 1 हो गई, दैट इज जैसे ही मैंने प्राइस को बढ़ाया मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। बिकॉज प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइस और डिमांड एक इनवर्स रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं। ये हमारे पास पहला फैक्टर था जिसे हम लोग कहते हैं प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। आई होप आप लोगों को चीजें यहां तक क्लियर हो गई, क्लियर, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट वी हैव इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स जो हमारे पास होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक हमारे पास होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वन वी हैव इज सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक हमारे पास होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इस चीज को देखते हैं। सप्लीमेंट्री गुड्स का मैंने आपसे एग्जाम्पल लिया कोक एंड पेप्सी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ऐसे गुड्स जिनको आप एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसका कोक और पेप्सी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मान लो टी एंड कॉफी। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं मान लो आप मार्केट के अंदर जाते हो, मार्केट में जाकर कोक का प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है। अभी हमने पढ़ा कि प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी से क्या होता है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अगर मार्केट में कोक का प्राइस बढ़ेगा तो कोक की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। यहां पर कोक की डिमांड कम हुई बिकॉज लोग जो हैं वो कोक और पेप्सी को इंटरचेंजेबली पीते हैं। अगर कोक नहीं मिलेगी तो पेप्सी पी लेंगे, पेप्सी नहीं मिलेगी तो कोक पी लेंगे, तो लोग कोक को छोड़कर पेप्सी की डिमांड कर सकते हैं। पीपल विल लीव कोक एंड दे विल गो टूवर्ड्स पेप्सी। अगर मैं यहाँ पर इस चीज को काट देता हूँ तो मेरे सामने क्या निकल कर आता है कि अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पेप्सी की इंक्रीज होगी। अगर प्राइस कोक का बढ़ता है तो डिमांड किसकी इंक्रीज हो रही है, पेप्सी की इंक्रीज हो रही है। ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। अच्छा, ऐसे मैं कहता हूं कि प्राइस जो है आपका कोक का वो कम हो जाता है, कोक का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लोग जो है वो कोक की डिमांड बढ़ा देते हैं। इसका मतलब क्या है, लोग पेप्सी को छोड़ छोड़ कर कोक की तरफ आ रहे हैं, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी।
अगर मैं यहाँ से फिर से स्कोप को हटा देता हूँ और सिर्फ इसी रिलेशनशिप को कंसिडर करता हूँ कि अगर प्राइस कोक का कम होगा तो डिमांड पेप्सी की कम होगी, फिर से ये दोनों के दोनों एक ही साइन में एक ही जगह पर ऊपर या नीचे हो रहे हैं, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसीलिए हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वी हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। अगर मैं इसे एग्जाम्पल की टर्म्स में कहता हूँ, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कोक एंड डिमांड ऑफ पेप्सी। क्लियर? तो ये हमारे पास बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने आप लोगों के साथ अभी तक इतना डिस्कस करा है, हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास आया प्राइस ऑफ कौन कमोडिटी। प्राइस बढ़ेगा तो कौन डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो कौन डिमांडेड जो है बढ़ जाएगा, हमने ये चीज देखी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट आया हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जहां पर हमने बात करी दो तरह के गुड्स के बारे में, एक हमारे पास सब्स्टिट्यूट है और एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे पास ऐसे गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ऐसे गुड्स जिनको एक दूसरे की जगह पर यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी, एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। अगर कोक नहीं मिलेगी तो पेप्सी कंज्यूम कर लेंगे, अगर टी नहीं मिलेगी तो कॉफी कंज्यूम कर लेंगे, एंड वाइस वर्सा। गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, कंज्यूमर्स आर इनडिफरेंट कंज्यूमिंग दीज गुड्स, उनको जो मिलेगा वो कंज्यूम कर लेंगे। इस केस में क्या कहा हम लोगों ने, अगर प्राइस कोक का बढ़ता है तो डिमांड पेप्सी की बढ़ जाती है, लोग जो है वो कोक को छोड़ देते हैं, पेप्सी की तरफ आ जाते हैं। अगर प्राइस कोक का कम होता है तो लोग कोक कंज्यूम करते हैं, पेप्सी को छोड़ देते हैं, डिमांड पेप्सी कम हो जाती है। दैट इज वाई इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे पास ऐसे गुड्स होते हैं विच आर जॉइंटली डिमांड, ये हमारे पास ऐसे गुड्स होते हैं विच आर जॉइंटली डिमांड, उनको इकट्ठे डिमांड किया जाता है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कार एंड पेट्रोल, मार्कर एंड इंक, ये हमारे पास क्या है, ये ऐसे गुड्स उनको इकट्ठे डिमांड किया जाता है, जॉइंटली डिमांड किया जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से लेते हैं, मान लो मार्केट के अंदर प्राइस जो है कार का बढ़ जाता है, मार्केट के अंदर प्राइस जो है कार का बढ़ जाता है, लोग कहते हैं नहीं यार अब कार नहीं खरीदनी, कार ना बहुत महंगी होती जा रही, लोग कार की डिमांड को कम कर देते हैं। अगर लोग कार की डिमांड को कम कर देते हैं, अगर लोग कार को खरीदना बंद कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लोग फिर पेट्रोल भी नहीं खरीदेंगे, पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। एंड अगर मैं यहाँ पर इस चीज को काट देता हूँ, एंड इफ आई सी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, आई कैन से इफ द प्राइस ऑफ कार राइजेस द डिमांड ऑफ पेट्रोल फॉल्स, अगर कार का प्राइस बढ़ता है तो लोग कार को छोड़ते हैं, साथ में उनको पेट्रोल भी छोड़ना पड़ता है। सिमिलरली अगर कार का प्राइस जो है वो कम हो जाता है, अगर कार का प्राइस आपका कम हो जाता है तो लोग जो है वो कार की डिमांड बढ़ा देंगे, अगर लोग कार की डिमांड बढ़ाएंगे तो कार हवा पे नहीं चलेगी, उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए, डिमांड जो है वो आपकी पेट्रोल की इंक्रीज हो जाएगी। मैं दोबारा अगर यहाँ से कार को रिमूव कर देता हूँ और इन दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करता हूँ, आई कैन से अगर इफ प्राइस ऑफ कार फॉल्स डिमांड ऑफ पेट्रोल राइजेस, अगर कार का प्राइस कम होगा तो पेट्रोल की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इन वेरिएबल्स को ध्यान से देखोगे, ये वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कार का प्राइस बढ़ता है पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है, कार का प्राइस कम होता है पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाती है, दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं हुई। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद अगला फैक्टर जो हमारे पास आता है, थर्ड फैक्टर दैट वी हैव इज, उसे हम कहते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है उसकी इनकम भी अफेक्ट करती है कि वो कितना डिमांड करता है, वो किस चीज की डिमांड करता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर को समझने के लिए पहले समझना जरूरी है, हमारे पास बेटा दो तरह के गुड्स होते हैं, एक हमारे पास नॉर्मल गुड्स होते हैं और एक हमारे पास इंफीरियर गुड्स होते हैं। एक हमारे पास नॉर्मल गुड्स होते हैं और एक हमारे पास क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स हमारे पास ऐसे गुड्स होते हैं जिनको तब कंज्यूम किया जाता है जब कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होती है, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। और इंफीरियर गुड्स घटिया गुड्स होते हैं। इन्फीरियर का सिंपल सा मतलब क्या है, ये घटिया गुड्स हैं, ये अच्छे गुड्स नहीं है, इन्हें कंज्यूमर तब कंज्यूम करता है जब उसकी इनकम कम हो रही होती है। मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ,
नाउ आप एक चीज पहले ही समझ लो बेटा, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। मैं एक जनरलाइज्ड एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। मान लो मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ फुल क्रीम मिल्क का एंड टोंड मिल्क। फुल क्रीम मिल्क बेटा ऐसा मिल्क होता है जिसको हम लोग शुद्ध मिल्क वगैरह भी कहते हैं, मीन्स उसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करी जाती, जैसे ही वो निकाला जाता है वैसे ही आपको दिया जाता है। लेकिन टोंड मिल्क के अंदर फैट वगैरह कम किया जाता है, क्रीम वगैरह कम करी जाती है, उसको थोड़ा सा और प्रोसेस किया जाता है। कहा जाता है कि फुल क्रीम मिल्क जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू टोंड मिल्क। अब मान लेते हैं कि मुझे फिटनेस वगैरह की कोई बात नहीं करनी, मैं कहते हैं एक पर्सन जो है वो कहता है कि सोसाइटी की नज़रों में फुल क्रीम मिल्क जो है बड़ा अच्छा मिल्क है, ये महंगा भी होता है, टोंड मिल्क एज कम्पेयर टू फुल क्रीम मिल्क सस्ता होगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ, मान लो फुल क्रीम मिल्क जो है आपके पास, ये आपके पास 42 रुपीज़ के आसपास का आता है पर केजी, एंड ये आपके पास टोंड मिल्क जो है ये आपके पास 36 रुपीज़ पर केजी के आसपास का आता है। मान लो मैं आपके सामने ये चीज़ लेकर चल रहा हूँ, मैंने कहा फुल क्रीम जो है ये नॉर्मल गुड्स है और टोंड मिल्क जो है आपके पास ये इन्फीरियर गुड्स है। नाउ अब इस केस के अंदर मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरी इनकम बढ़ जाती है, मेरी सैलरी जो है अचानक इंक्रीज हो जाती है, मेरी सैलरी इंक्रीज होती है, मैं कहता हूँ आज से मैं फुल क्रीम मिल्क ही कंज्यूम करूंगा पर मेरी सैलरी बढ़ रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। जहाँ ये अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है, कंज्यूमर जो है वो नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करता है। लेकिन जब उसकी इनकम कम हो रही होती है, मान लो कोविड में आपकी जो नौकरी वगैरह है वो चली जाती है, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही होती, आपके यहाँ पे फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही होती हैं, उस केस में आप नॉर्मल गुड को छोड़कर कहाँ जाते हो, इन्फीरियर गुड्स की तरफ। तो थर्ड फैक्टर जो क्वालिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है कि आप किस तरह के गुड्स को कंज्यूम करते हो, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी आप अच्छे गुड्स को कंज्यूम करोगे, आप नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करोगे। अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम करोगे, घटिया गुड्स को कंज्यूम करोगे। माइंड इट, ये नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स डिफर फ्रॉम केस टू केस, अलग अलग केसेस में ये अलग अलग हो सकते हैं। ये हमारे पास अपना थर्ड फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर एवरीवन? जॉय क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है जिसे हम लोग कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अच्छा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा फैक्टर है। इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक हमारे पास होता है फेवरेबल, एक हमारे पास होता है अनफेवरेबल। मैं समझाता हूँ ये चीज कैसे होती है। आप लोगों ने देखा कुछ टाइम पहले मार्केट के अंदर फिजिट स्पिनर्स का ट्रेंड चल रहा था, लोग जो है वो अपने हाथ में फिजिट स्पिनर्स वगैरह लेकर मूव वगैरह कर रहे थे। बहुत सारा कहा जा रहा था कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्ट्रेस वगैरह को रिड्यूस करता है, बहुत अच्छी चीज चल रही थी। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, मान लेते हैं मैं कहता हूँ मेरा प्रोडक्ट एक्स है, मान लेते हैं प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट एक्स है, अगर ये प्रोडक्ट एक्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस मार्केट में फेवरेबल चल रही है, अगर किसी भी चीज की टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशंस चल रही हैं कि लोगों को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा, उसके लिए अनफेवरेबल टेस्ट या प्रेफरेंस चल रही है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जब एक हेल्थ स्टडी निकली थी कि मैगी जो है उसके अंदर लेड निकल कर आया, तो लोगों ने कुछ टाइम तक कहा था कि नहीं अनफेवरेबल टेस्ट है, इसको छोड़ के कुछ और कंज्यूम कर लेंगे, उसकी डिमांड कम हो गई थी। फिर स्पिनर्स का अचानक एक ट्रेंड निकल कर आया था कि बड़े सारे लोग फिर स्पिनर्स लेके मूव कर रहे, स्लाइम का ट्रेंड निकल कर आया था। तो ऐसी चीजें जिनका फेवरेबल ट्रेंड है, जिसकी फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस मार्केट में चल रही है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी अनफेवरेबल होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। सिंपल। तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके ट्रेंड्स के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेंड्स। अगर आपके लिए फेवरेबल ट्रेंड है डिमांड बढ़ जाएगी, अगर आपके लिए अनफेवरेबल ट्रेंड है डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस तो हमने देख लिया ना, हम जब भी इन फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं ना, हम एक एक फैक्टर करके स्टडी कर रहे हैं, प्राइस का फैक्टर वहीं पर ही खत्म हो गया। जब हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करेंगे तो हम प्राइस को इग्नोर करेंगे, हम कहेंगे प्राइस उतना ही। फिजिट स्पिनर 2018 में भी 25 रुपए का था, 2022 में भी 25 रुपए का है, बस उस टाइम पे फेवरेबल था, इस टाइम पे अनफेवरेबल। तो जब भी इन फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं ना, हम उनको सिंगुलैरिटी में स्टडी करते हैं। जब मैंने प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी की बात करी तो मैंने कहा बाकी फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ।
जब मैंने प्राइस और रिलेटेड गुड्स की बात करी, मैंने कहा बाकी फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जब मैंने इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करी, मैंने कहा बाकी फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा। जब मैंने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करी, तो मैंने कहा बाकी फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं। लास्ट हमारे पास आता है इसका, जिसे हम कहते हैं चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। प्राइस के अंदर कोई चेंज आ सकता है फ्यूचर के अंदर। मैं इसका आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। पेट्रोल है, पेट्रोल है आपका, पेट्रोल जो है आज के टाइम पे ये 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से आ रहा है, कुछ भी ले लेते हैं। पेट्रोल जो है आज के टाइम पे करंट 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से चल रहा है, एंड ये चीज कही जा रही है न्यूज वगैरह में, रिलायबल सोर्स से आपकी बात पता है कि अगले हफ्ते ही ये पेट्रोल जो है 98 रुपीज पर लीटर हो जाएगा। क्या आप अपनी गाड़ी की टंकी आज भरवाओगे कि एक हफ्ते बाद भी भरवा सकते हैं? एक हफ्ते बाद भरवा लूंगा। अगर आज के टाइम पे 100 रुपए पर लीटर है और एक हफ्ते बाद यही प्राइस 98 रुपीज हो जाएगा, दैट इज अगर फ्यूचर के अंदर प्राइस कम होने का आपको लग रहा है, तो आप आज डिमांड नहीं करोगे, आप अपनी डिमांड को भी पोस्टपोन कर दोगे, चलो बाद में खरीद लेंगे इसको। इसी का एग्जांपल लेते हैं, आज के टाइम पे प्राइस जो है वो 100 रुपए है, और कहा जा रहा है, गवर्नमेंट ने कहा है स्पीचेस में ये बात आई है कि कुछ टाइम बाद, एक दिन बाद, ये प्राइस जो है वो 120 रुपए पर लीटर होने वाले। लोग फटाफट पेट्रोल पंप के सामने लाइने लगा कर भी अपनी कार की टंकी फुल कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज अगर आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज ही डिमांड कर, प्रेजेंट में ही डिमांड कर। ये हमारे पास इसका लास्ट फैक्टर होता है, जिसे हम कहते हैं चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। तो मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे, लास्ट फैक्टर जो मैंने डिस्कस करा ना, मैंने कहा अगर आपको लगता है, अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस जो है वो चेंज होने वाला है, तो वो क्या करता है? अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो कहता है कि चलो यार अभी डिमांड कर लो, कि बाद में तो प्राइस बढ़ने वाला है। अगर कंज्यूमर होता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, तो वो कहता है मैं आज डिमांड नहीं करूंगा, मैं फ्यूचर में डिमांड करूंगा। और ये हम लोगों ने पेट्रोल वाले एग्जाम्पल से देख लिया। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या देखा है, आप देखो, मैंने आपसे डिस्कस करा कि बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कैसे है। आई डिस्कस्ड विद यू डिजायर का मतलब क्या होता है। डिजायर का मतलब आप किसी चीज को खरीदने की सिर्फ इच्छा रखते हो, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो पुअर मैन 200 रुपीज वाले एग्जांपल, पुअर मैन की लॉटरी लग जाती है। इस केस में क्या होता है, इस केस में उसके पास पैसे भी हैं और वो चाहता भी है, इसको हम लोग वॉन्ट कहते हैं। लास्ट में निकाल, डिमांड कैसे निकाली जाती है, वॉन्ट के साथ में दो फैक्टर्स को प्लस कर लो, एक हमारे पास प्राइस होता है, एक हमारे पास टाइम। डिमांड की डेफिनेशन कैसे निकलती है, डिमांड रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इससे हमारे पास डिमांड के चार एलिमेंट्स निकल कर आते हैं। वो चार एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, पॉसिबल प्राइस एंड गिवन टाइम। ये हमारे पास इसके चार एलिमेंट्स होते हैं। फिर हम लोगों ने टॉपिक शुरू करा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, फैक्टर्स इन डिमांड ऑफ कमोडिटी। पहला आया प्राइस ऑफ कौन कमोडिटी, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है, इनवर्स रिलेशनशिप। सेकंड हम लोगों ने क्या कहा इसके अंदर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जहाँ पे दो तरह के गुड्स की बात करी, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे पास ऐसे गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, कोक एंड पेप्सी वाला एग्जाम्पल। प्राइस अगर कोक का बढ़ता है तो डिमांड पेप्सी की बढ़ जाती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स जिनको इकट्ठा डिमांड किया जाता है, कार एंड पेट्रोल। अगर प्राइस कार का बढ़ता है तो लोग कार नहीं खरीदेंगे, अगर कार नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल क्या करेंगे। That is, अगर प्राइस कार का बढ़ता है तो डिमांड पेट्रोल की कम हो जाती है, इनवर्स रिलेशनशिप। फिर हमने कहा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जहां पे हमने कहा हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, एक हमारे पास नॉर्मल होते हैं, एक हमारे पास इन्फीरियर होते हैं। कोई गुड अच्छा है तो वो नॉर्मल गुड है, आपको खराब लगता है इन्फीरियर गुड है। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड कंज्यूम करोगे, इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड कंज्यूम करोगे। फिर आया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल हैं आपके पास में तो आप उसको तो ज्यादा कंज्यूम करोगे, अगर अनफेवरेबल है, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसे कम कंज्यूम करोगे। तो मैं फिर स्पिनर्स का एग्जांपल लिया। एंड लास्ट हमारे पास आया चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर में लगता है कि प्राइस बढ़ेगा तो आज डिमांड अपनी आज ही कर लो, फ्यूचर लगता है प्राइस कम होने वाला है तो आप क्या कर सकते हो, डिमांड को पोस्टपोन कर लो, आज डिमांड मत करो,
फ्यूचर में वही चीज सस्ती मिल जाएगी। ये हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स रिलेटेड। डिमांड चैप्टर पूरा का पूरा मैं कवर करूंगा नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के अंदर, वी विल कवर इट। एंड हमारे बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, बिजनेस की, इंग्लिश की एंड अकाउंट्स की, धीरे धीरे करके हम उनको भी स्टार्ट करते जाएंगे। अगर आप लोगों को इन क्लासेस को ज्वाइन करना है, क्लासेस ऑनलाइन भी हैं, क्लासेस ऑफलाइन भी हैं। बहुत सारे बच्चे बाहर की कंट्री से, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, जहाँ पे CBSE स्कूल्स हैं, दुबई, वहाँ से भी इनको ज्वाइन कर रहे हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है 8851399893 अरोड़ा स्टडी सर्कल एंड विल गेट इन कनेक्शन विद यू। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी वेबसाइट अभी अभी लॉन्च करी है, इट इज़ बाय द नेम ऑफ arorastudiescircle.com। आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हो, वहां पे एनरोल करने की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, यू कैन गो एंड चेक देयर आल्सो। लास्टली अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगता है, सक्सेसफुल लगता है, फ्रूटफुल लगता है, डू गिव इट अ लाइक, लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एज दे सर्व एज अ ह्यूज मोटिवेशन बूस्टर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।